Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. बेहद कठिन बर्फीला रास्ता और बेहद ही चुनौतियों से भरा हुआ भी। चुनौती इस बात की कि किसी तरह भारी बमबारी के बीच खुद को जीवित रखते हुए यूक्रेन से बाहर निकल जाना। खार्किव से निकलने के लिए ट्रेन चली है, लेकिन भारतीयों के लिए नहीं। उनकी पहली प्राथमिकता यूक्रेनवासी हैं, अन्य नहीं। ऐसे में मददगार बने वो साथी जिन्होंने हाथ पकड़कर किसी तरह बेहद जोखिम भरे रास्ते में साथ नहीं छोड़ा। बेटी लौट तो आई, लेकिन पिता उन पलों को याद कर भावुक उठे। मेरठ बक्सर पहुंची श्वेता सैनी ने आज फर्स्ट बाइट टीम के सामने यूक्रेन की जो तस्वीर खींची है, उसने सरकार के तमाम दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फर्स्ट बाइट संवाददाता शिवानी गौतम की यह रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। रूस और यूक्रेन में लगातार बमबारी और जंग जारी है। ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन यूक्रेन में कुछ भारतीय छात्र इस कदर फंस गए हैं कि उन्हें भारत वापस आने में काफ़ी मुश्किलें देखनी पड़ रही हैं। उन्हीं में से एक भारतीय छात्र आज मेरठ जिले की रहने वाली वापस अपने घर लौट कर आई हैं, जो कि आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है। आइए हम उनका अनुभव और जानते हैं और क्या कुछ परेशानी उन्हें देखनी पड़ी ये जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम और आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रही थी वहाँ? मेरा नाम श्वेता सैनी है और मैं वहाँ पे फोर्थ ईयर MBBS मेडिसिन की स्टडी कर रही थी और हम लोग खार्किव सिटी से बिलोंग करते हैं वहाँ पे। सो वहाँ पे फ़िलहाल बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग और मिसाइल होने लगी थी। 24 फरवरी वहाँ पे हम लोग को सुबह सुबह पता चलता है कि यहाँ पे बॉम्बिंग ट्रूप्स ने इन्वेजन कर दिया, मतलब वो अंदर आ चुके हैं। एंड उसके बाद हम लोग को बोला गया कि अब सब अपने अपने सुरक्षित जगह शेल्टर बंकर और हॉस्टल में रहें, और फिर वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से बच्चों को खाना और पीना ये सब इनकी बहुत ही तकलीफ़ आई। जब आप बंकर में रह रही थी तो क्या कुछ परेशानी आपको डेली सर्वाइव करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स देखनी पड़ी? हम लोग को खाना जैसे हम लोग का बहुत ही कम लिमिटेड टाइम के लिए था, और उसके बाद हमें कोई सुपरवाइज़र या हेड भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। पानी की कमी तीसरे दिन ही शुरू हो गई थी, किसी भी जगह अवेलेबल नहीं था, कोई ATM वर्क नहीं कर रहा था इंडियंस के लिए और किसी भी फॉरेनर के लिए। तो हम लोग को हर तरह से वहाँ पे प्रॉब्लम थी। जैसे कि आप वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए गए थे, तो क्या आपने कभी सोचा था कि इस तरह की स्थिति में आपको वहाँ रहना पड़ जाएगा? नहीं, हमने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि हमें ऐसा कभी कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा। ये सब बहुत अचानक हुआ था। अभी वहाँ के हालात कैसे हैं? जब आप वहाँ से निकली हैं तो किस तरह आप निकल पाई वहाँ से? वहाँ पे हालत दिन ब दिन बदतर हो रही थी एक्चुअली, और हम लोग को फाइनल नोटिस आता है कि हम लोग को वहाँ से निकल जाना चाहिए जल्द से जल्द। तो हम लोगों ने हमें वैसे तो कोई MBC या फिर गवर्नमेंट की तरफ से विद इन बॉर्डर विद इन उस शहर में हमें कोई हेल्प नहीं मिली। बच्चों ने खुद ही मैनेज किया है वहाँ से निकलने का, और वहाँ से मैनेज किया खुद निकलने का। हमने वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस किया ट्रेन तक, ऑलमोस्ट 15-10 किलोमीटर्स। देन उसके बाद हम लोग बॉर्डर तक पहुँचे किसी तरह, और फिर वहाँ से हम लोग बॉर्डर पर भी हम लोग को बच्चों को बहुत परेशानी हुई है। वो माइनस डिग्री में बाहर खड़े रहे, उनको शॉक हाइपोथर्मिक शॉक की वजह से बच्चे गिरे भी हैं। सो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। जैसे कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस वहाँ की वायरल हो रही है, जिसमें भारतीय छात्रों को बहुत परेशानी देख रहे हैं हम कि उन्हें हो रही है, तो ऐसा कुछ आपको भी अनुभव हुआ है वहाँ पर, या आपने कुछ ऐसा देखा कि वहाँ पर भारतीय छात्रों के साथ इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं? वहाँ पे इंडियंस के साथ थोड़ा सा हो रहा था धीरे धीरे कि थोड़ा अलग बिहेव करने लगे हों, और हम लोग को उससे परेशानी और हो रही थी। इंडियन एम्बेसी की तरफ से कितनी मदद मिल रही है वहाँ पर? इंडियन एम्बेसी की तरफ से अगर हम बोले तो हमें सिर्फ बॉर्डर से बाहर मिल रही है, जिसका कुछ ज़्यादा कोई हमें वो नहीं हुआ। हमें अंदर अंदर बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि वहाँ से निकलना ही सबसे बड़ा टास्क था, वहाँ से निकलना ही सबसे मुश्किल था। तो खार्किव से बॉर्डर तक आप बाय फुट पहुँची हैं सारी? नहीं, एक्चुअली हम लोग को ट्रेन्स प्रोवाइड हुई
पर वो सिर्फ उन उन देशवासियों के लिए ही था, यूक्रेनियंस के लिए था। हम इंडियंस को वहाँ पे भी स्ट्रगल करना पड़ा, हमें वहाँ से धक्के मारे जा रहे थे, हमें नहीं चढ़ने दिया जा रहा था। सो हम वहाँ तक भी पैदल ट्रैवल किए स्टेशन तक, देन उसके बाद ट्रेन से हम बॉर्डर तक किसी तरह पहुँचे हैं। अभी जो भारतीय छात्र वहाँ पर बाकी हैं जो अभी तक नहीं निकल पाए हैं, तो उनके लिए अब भारत सरकार से कोई ऐसी अपील करना चाहेंगे कि उनकी इस तरह से बेहतर मदद हो सकती है? जैसे कि वहाँ पे अब मेरे आने के बाद और बदतर होते जा रहे हैं वहाँ पे सिचुएशन, तो फिर हम ये चाहते हैं कि उनको ऑन द स्पॉट या फिर उस सिटी के विद इन से वहाँ से उनको इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है वहाँ से निकलना। फर्स्ट बाइट संवाददाता ने जब श्वेता सैनी के पिता से बात की तो वह बेहद भावुक हो उठे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें मदद तो नहीं मिली, लेकिन जिलाधिकारी की तरफ से आश्वासन जरूर मिला है। देखिए, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, सुब्रधार मेजर रमेश चंद सैनी। तो सर, जब आपकी बेटी वहाँ पर फंसी हुई थी तो आप किस तरह से उनको कांटेक्ट कर पा रहे थे? कुछ दिक्कतें हुई जैसे वहाँ पे बैटरी फ़ोन की चार्ज नहीं हो पा रही थी या इस तरह की कोई परेशानी आपको देखनी पड़ी? हाँ, बच्चों की खबर तो पल पल मिल रही थी, लेकिन उनका प्रॉपर कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा था। तो इन लोगों ने एक 15-20 बच्चों का एक ग्रुप बनाया, तो उस ग्रुप में कोई ना कोई बच्चा एक मैसेज डालता था कि हम किस पोजीशन में हैं, तो खबर मिलती रही और हम लोग टाइम टू टाइम बताते रहे मीडिया को और जो भी प्रशासनिक अधिकारी, डीएम साहब, एडीएम साहब, जो भी हमारे पास आए, हमने उनको स्थिति के। जैसे कि हम सब जानते हैं कि डीएम भी आपसे मिलने आए थे, तो उनकी तरफ से आपको कितनी मदद मिली? मदद मतलब आश्वासन, कोई हमने उनसे कहा कि वहाँ पे बच्चों को ये परेशानी है, तो उसके बावजूद भी बॉर्डर आने तक इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से ये नहीं, राहत नहीं पहुँची, चाहे वो खाने की हो, पीने की हो, व्हीकल की हो, बच्चे पैदल चल के आए, एक मतलब एक दूसरे को हाथ पकड़ करके इन लोगों ने, जिसको चलने में दिक्कत आ रही थी, उनको भी हाथ पकड़ के ले करके खींच के एक दूसरे को ले गए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।